सिमरी थाना क्षेत्र के नकपुरा गांव में गुरुवार की दोपहर हुई गोलीबारी की घटना में घायल किशोर पवन कुमार चौधरी उम्र 13 वर्ष की मौत हो गई है। सूचना के अनुसार परिजन उसे उपचार के लिए पटना लेकर गए थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया क्योंकि गोली उसकी पीठ में फंसी हुई थी। इस संबंध में पूछने पर SP नीरज कुमार सिंह ने कहा कि मौत की सूचना मिली है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ग्रामीण सूत्रों की माने तो यह घटना दोस्तों के मध्य आपसी रंजिश का परिणाम है। किसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और गोली चल गई। हालांकि कारण जो भी हो, अब यह वाकया हत्या में तब्दील हो गया है। यह किशोर महज खेलने वाले होते तो इनके पास हथियार कहां से आया, यह इनके आचरण को संदिग्ध बनाता है। फिलहाल आरोपी रोहित पांडे की तलाश जारी है। पहले जो दोस्त है, सिमरी थाना में गोलीबारी की घटना हुई है जिसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई है। जो लड़का मरा है वो घर से फिरार है, उसको हम लोग गिरफ्तारी के लिए लगे हुए हैं। जिसको गोली लगी थी मृत्यु हो गई? जी हाँ, मृत्यु हो गई। अभी जैसे बताया है लोगों ने, इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई उसकी। सर बताया जा रहा है कि शराब पार्टी चल रही थी, इसी में गोली लगी। अब देखो ये अनुसंधान का है, इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे उस पर। जी तो क्या अभी हालात क्या है? अभी हालात है कुछ परेशान है, ना यहाँ पर कोई व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, सब परेशान है। लगातार पुलिस पदाधिकारी भी लगे हैं, फिर पुलिस पदाधिकारी भी लगे हुए हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। कितना देर हो गया? लगभग करीब करीब आधा घंटा हो गया। तो जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसकी ऐसी हालत है, क्या लग रहा है आप लोगों को? जब जिला का अस्पताल का ये हाल है तो सर और दूसरे हॉस्पिटल का क्या बात किया जाए? यहाँ पर इमरजेंसी नहीं संभरेगा तो कहाँ पर इमरजेंसी संभरेगा? देखिए क्या व्यवस्था है। एम्बुलेंस के लिए पुलिस पदाधिकारी जो है परेशान है, सभी लोग परेशान है। कभी CS के फ़ोन करते हैं, कभी कहीं फ़ोन करते हैं। बच्चे के क्या कंडीशन? बच्चे की स्थिति नाजुक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है उसके साथ। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश यादव पड़ेगा, बुक्सा मुखिया प्रतिनिधि। आप इलाज कराने दो? हाँ हम दूसरे के इलाज कराने आए हैं। भाइल बकार आल हटे बगीचा में ओकरा के गोली एकरा के मरले बड़ा से दू गो मिल के भाई जे मरले बजान तने हो के हां जानत तने का हो का हो पूछू नै तेरे रोज लइकावा जाला बगीचा में खेले खातिर अब सूत वैला की का एकरा के पकड़ के दूनो मरले बड़ा सा आय शराब पियले बड़ा सा ओ जे उ लइकावा पियले बा एकरा के मरले बड़ा सा ठीक है भुईहार में के लैका हर तिवारी में के हटे ओकर हटे का ना हरे रोहित तिवारी ना ओकर बाबू के पहले से बहुत झगड़ा झगड़ा कुछ ना है तिवारी और के रहे ओ आओ एगो के नहीं खे जानत ना वो दूसरा ठही से बोलावले रहल हमारे खातिर दोनों मिल के शराब पिए के विरोध कइले है कि शराब का हटियो करे ना ना ई बैठर ला चुपचाप ओकनी के हमरे लिए कोनो दू में रात ही अभी केवाड़ी हमनी के खोलावले बड़ा सा हम जाके खोल ले बानी 9 बजे के करीब में तब भाग गोल बड़ा सा तो छत पर माई बेटा गोल बन जा तक के हो नहीं तो काल का है झगड़ा लड़ाई पूछू नहीं के भाई कालो नहीं के भाई हमनी के रहते ना रही जा हमनी के बक्सर रहत रहनी है जा ए जा आइल बनी जा हमनी के चल गुनी जा गांव कोन की केकर कमाई लइका बाहर जइया सा कमाइया सा ए जा रह कहां ले किराया हम के बाबू के पावन नाम नगरपुर गीता नाम हटे हाँ हमारे लड़का हाँ आय अस्पताल में कतना देर आए में गड़िया में तो लेट हो गए ना से अब हम टाइम नहीं है मालूम टाइम हमरा भैया याद नहीं कर दिया हाँ एक घंटा हाँ अब कनिए तो देखे पहले आ जा भैया।